नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। जहां एक और पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, वहाँ औषधियों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। वहीं दूसरी ओर बड़वानी जिले के सभी शराब की दुकानें आज भी पूरी तरह खुली हुई है। आबकारी विभाग किसी नए आदेश की राह देख रहा है। इन शराब दुकानों पर भीड़ होने संक्रमण का खतरा तो बढ़ ही रहा है, जिससे जिला प्रशासन के 2 दिन के लॉकडाउन का भी उल्लंघन हो रहा है। शायद आबकारी विभाग शराब की अति आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल मानता होगा। तो क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? शिव जायसवाल। ये कौन से नंबर की दुकान है बढ़वाने की? 1 नंबर। तो दुकानें बंद करने का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है क्या? नहीं, बंद हुई थी अभी तक। अभी एडी साहब का फोन आया, खोल लो, तो अभी खोला अभी तक। कल शाम को भी खुली हुई थी है? शाम के यहाँ कल खुली थी, अभी तत्काल बोले बंद थी, फिर बंद किए थे। अभी एडी साहब का फोन आया। कौन एडी साहब? कौन, क्या नाम है उनका? ये बात कर लीजिए, नहीं आप बताइए जरा। नाम उनका नहीं मालूम। सर, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए क्या आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से? देखिए, अभी वर्तमान में स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर बड़वानी श्री अमित तोमर साहब के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत जो है अति आवश्यक सेवाएं हैं, जैसा कि फल, दूध, सब्जियाँ और किराना का सामान, मेडिकल स्टोर, यस ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जो भी प्रतिष्ठान है वो प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और उसके पालन में हम पुलिस लगातार मुस्तैद तैनात है। हम लगातार मोटरसाइकिल पार्टी, थाना मोबाइल और फिक्स पॉइंट भी लगाए गए हैं और लोगों को समझाई दी जा रही है कि जान है तो जहान है, आप स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी है, विश्व के कई देशों में फैल चुकी है और इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। और इसीलिए पुलिस भी अलर्ट है, शासन प्रशासन सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और आम जनता से भी हमारी अपील है कि वो इस कोरोना वायरस को समझे कि एक महामारी है और इसको कंट्रोल करने में शासन प्रशासन सबकी मदद कर। सर, आज क्या कार्रवाई की जा रही है? कलेक्टर सर द्वारा 144 या किसी भी धारा 144 के तहत वो एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें किराना दुकान, फल सब्जी दुकान, दूध डेयरी और मेडिकल स्टोर इनको छोड़कर जो है पूरे ज़िले में सभी तरह की जो अन्य दुकानें हैं बंद करने का आदेश जो है दिया गया है, उसी का हम एप्लीकेशन करा रहे हैं। सर, लोग जो जिस तरह से 144 में भी घूम रहे हैं बिना वजह से, तो उनके लिए क्या किया जाए? उसके लिए भी चेतावनी दी जा रही है। नगरपालिका का जो अमला है वो अनाउंसमेंट शहर में कर रहा है और अनाउंसमेंट के बाद भी अगर लोग नहीं समझते हैं और अनावश्यक घूमते हैं तो फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी।